उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे और सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में हिंदू युवा वाहिनी और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने केंद्र सरकार के 100 दिन और प्रदेश सरकार के 30 माह की उपलब्धियों को गिनाया। गुरुवार को रिमझिम बारिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर तकरीबन 2 बजे सर्किट हाउस के हेलीपैड पर पहुंचा, जहां एडीजी दवा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, आईजी जय नारायण सिंह, डीएम के विजयन पांडेयन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विधायक विपिन सिंह, संगीता यादव, डॉक्टर विमलेश पासवान, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात सीएम योगी ने एनेक्सी भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और उन्हें केंद्र के मोदी सरकार के 100 दिन और प्रदेश सरकार के 30 माह की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि प्रदेश में आयोजित कुंभ में अब तक सबसे अधिक लोगों ने डुबकी लगाई। इसके साथ ही सीएम योगी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है।
केंद्र और प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार के 100 दिन और प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष यानी 30 माह के कार्यक्रमों को लेखा जोखा प्रस्तुतिकरण करने के लिए एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। यह प्रकाशन हर एक जागरूक नागरिक तक पहुंच सके, इस दृष्टि से आपका आह्वान करने के लिए मैं यहाँ पर विशेष रूप से आया हूँ। आपको एक बैग उपलब्ध कराया गया हुआ, इस बैग में कुंभ की पुस्तिका है। कुंभ 15 जनवरी से 4 मार्च के बीच में संपन्न हुआ। 24,56,00,000 श्रद्धालु इस बार कुंभ में आए और अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। कैसे एक प्लान को भी छोटी और छोटी पुस्तिका भी आपके पास यहाँ पर दे रहे हैं वो आपके लिए